नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। UNEP ने जूनोटिक बीमारियों को लेकर जताई चिंता, कहा बचाने होंगे पर्यावरण और जंगली जीव, नहीं तो खतरनाक परिणाम के लिए तैयार रहे दुनिया। हांगकांग विधायिका ने राष्ट्रगान विधेयक किया पारित, चीनी राष्ट्रगान का अपमान करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान। और अब बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरणीय संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP और अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान ने COVID-19 को लेकर प्रिवेंटिव द नेक्स्ट पेंडेमिक जूनोटिक डिजीज एंड हाउ टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन नाम की एक रिपोर्ट पेश किया है। 6 जुलाई 2020 को विश्व जूनोसिस दिवस के अवसर पर पेश की गई इस रिपोर्ट में जूनोटिक बीमारियों की प्रकृति और प्रभाव पर गंभीरता से चर्चा की गई। आपको बता दें कि 6 जुलाई 1885 को ही लुई पाइस्चर ने रेबीज के खिलाफ पहला टीका विकसित किया था। विशेषज्ञों की माने तो जानवरों और पक्षियों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों को ही विज्ञान की भाषा में जूनोटिक डिजीज कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि पर्यावरण और जंगली जीवों को नहीं बचाया तो आने वाले समय में कोरोना से भी खतरनाक बीमारियों का सामना करना होगा। जूनोटिक रोगों में HIV, एड्स, इबोला, मलेरिया और रेबीज जैसी बीमारियां प्रमुख हैं। हाल ही में चीनी राष्ट्रगान का अनादर करने वालों को अपराधी घोषित करने के लिए हांगकांग विधायिका ने एक राष्ट्रगान विधेयक को भारी बहुमत से पारित किया। यह विधेयक कहता है कि सभी व्यक्तियों और संगठनों को चीनी राष्ट्रगान का सम्मान और इसकी गरिमा बनाए रखते हुए उचित अवसरों पर इसे बजाना और गाना चाहिए। यह विधेयक चीनी राष्ट्रगान का अपमान करने वालों को 3 साल तक की सजा या $6,650 का जुर्माना लगाने की पावर देता है। आपको याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले ही चीन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान अलगाववाद, तोड़फोड़ जैसी घटनाओं और विदेशी हस्तक्षेप से निपटने पर संकेत मिलने के बाद हांगकांग में तनाव बढ़ गया था। चीन के इस कदम की तमाम देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने निंदा करते हुए कहा कि यह हांगकांग की स्वतंत्रता को रोक देगा। वहीं हांगकांग में चीन समर्थित हांगकांग ने कहा कि राष्ट्रीय विधेयक हांगकांग की स्वायत्तता के लिए खतरा नहीं है। इस पूरे मामले में अमेरिका को भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के दावेदार डी वीडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करते हुए कहा कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हांगकांग में चीन को लेकर सख्त कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि चीन का नया राष्ट्रगान विधेयक और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून चीनी सरकार की गतिविधियों पर रोक लगाएगा और हांगकांग के मामलों में बाहरी हस्तक्षेप को भी रोकेगा। और अब अंत में चलते चलते कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र, जो आपकी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। साल 2020 का वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक जारी कर दिया गया है। इस सूचकांक में दुनिया भर में अचल संपत्ति बाजार में पारदर्शिता के अनुसार रैंकिंग किया गया। इस वर्ष भारत ने अपने रैंकिंग में एक अंक का सुधार करते हुए 34वें स्थान पर है। भारत का यह सुधार रियल इस्टेट से जुड़े नियामकीय सुधार, बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े और हरित पहलों की वजह से हुआ। यह सर्वेक्षण हर 2 साल के बाद किया जाता है, जिसे संपत्ति सलाहकार कंपनी SLL द्वारा कराया जाता है। आपको बता दें कि भारत की रैंकिंग साल 2018 में 35, साल 2016 में 36 और साल 2014 में 39 थी, यानी भारत लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार कर रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई को एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत देश में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्टर्स, प्राथमिक कृषि साख समितियों और कृषि उद्यमियों को 1,00,000 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना की अवधि लागू होने की तिथि से 10 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया है। इस अवधि में निर्धारित धनराशि को वितरित किया जाएगा, जिनमें से चालू वर्ष 2020-21 में 10,000 करोड़ रुपये और आगामी 3 वित्तीय वर्ष में
30,000 करोड़ रुपए स्वीकृत और वितरित किया जाएगा, यानी आने वाले 4 सालों में 40,000 करोड़ वितरित करने का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। मर्सिडीज रेसर फिनलैंड के वाल्टेरी बोटास ने फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया। यह प्रतियोगिता ऑस्ट्रिया के स्पिलबर्ग में रेडबुल रिंग ट्रैक पर 5 जुलाई को कराया गया। यह 2020 का पहला फार्मूला 1 रेस था। इस रेस में दूसरे स्थान पर चार्ल्स लेक्लर और तीसरे स्थान पर लैंडो नॉरिस थे। आपको बताते चलें कि फार्मूला 1 यानी F1 दुनिया की सबसे बड़ी रेस प्रतियोगिता है। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल यानी FIA नाम की संस्था करती है। इजराइल ने हाल ही में अपना नया जासूसी सैटेलाइट ओफेक 16 लॉन्च किया, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस को उच्च गुणवत्ता की सर्विलांस यानी निगरानी में मदद करेगा। इजराइल लगातार अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ा रहा है ताकि ईरान जैसे दुश्मन देशों पर नज़र रखी जा सके, क्योंकि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अपने लिए खतरे की तरह देखता है। ओफेक 16 को एक आधुनिक सैटेलाइट बताते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैट्स ने कहा कि हम इजराइल की क्षमता को हर मोर्चे पर हर संभव मजबूत करते रहेंगे ताकि हमें दुश्मन देशों से निपटने में सहायता मिल सके। सड़कों को और बेहतर बनाने के अपने प्रयासों के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने देश भर में राजमार्गों की दक्षता का आकलन करने के साथ साथ उनकी रैंकिंग करेगी। राजमार्गों की दक्षता का आकलन और रैंकिंग करने का उद्देश्य जरूरत के अनुसार आवश्यक सुधार करना है ताकि राजमार्गों की गुणवत्ता सुधारी जा सके और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित किया जा सके। दक्षता आकलन के लिए मुख्यतः 3 बातों पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें राजमार्ग की दक्षता, राजमार्ग पर सुरक्षा और उपयोगकर्ता को मिलने वाली सेवाएं शामिल हैं। इससे NHAI को सड़कों में कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक पुल के रूप में काम करने वाली महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल विशेष रूप से महाराष्ट्र के स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए विकसित किया गया है। यह महाराष्ट्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे सरकार को बेरोजगारी दर कम करने में सहायता मिलेगी। इस पोर्टल के माध्यम से स्थानीय युवाओं को तकरीबन 17 आर्थिक क्षेत्रों के 950 तरह की विविध नौकरियों में चयनित किया जाएगा। यह पोर्टल नियोक्ताओं और कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा। कोविड-19 की वजह से बढ़ी बेरोजगारी को रोकना और नौकरियों का सृजन आज सरकारों का प्रमुख एजेंडा होना चाहिए, जिसमें इस तरह के पोर्टल कारगर साबित हो सकते हैं। फिलहाल 8 PM न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी बेहतर तैयारी के लिए जुड़े रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।